जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल गाड़ियों के प्राइसेस कितने ज्यादा हाई हो रहे हैं, यहाँ तक कि कंपनियों ने लास्ट टाइम अपनी गाड़ियों के पैसे चार चार बार तक बढ़ाए हैं। हाँ, चार चार बार तक। और जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा कम हो रही है बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, वेटिंग भी काफी ज्यादा हो रही है और जो मेन चीज है फ्यूल, उसके प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सेकेंड हैंड मार्केट है उसमें काफी ज्यादा गर्मी आई हुई है। तो हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, सेकेंड हैंड मार्केट का, सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में। और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आप अपने नीड्स को पहचान के कैसे एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, कैसे एक सेकेंड गाड़ी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि मैम भाई, ये हमारी गाड़ी है, एक तरीके से हमें गाड़ी ऑफर हो रही है, इतने प्राइस में हो रही है, इतनी चलीवी है, क्या ये हमारे लिए सही रहेगी। और दोस्तों, ये जो वीडियो है कुछ पार्ट्स में आएगी, सारे के सारे पार्ट्स में आज ही शूट कर लूंगा और जैसे जैसे डालता रहूंगा। आप जुड़े रहेंगे चैनल से, सब्सक्राइब करके रखा, अगर नहीं अच्छा सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल का आइकन दबा दीजिए और फिर आपको जो है नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं कि एक भी पॉइंट में मिस ना कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने नीड्स के साथ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो अपनी नीड्स को पहचानिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपको पड़ोसी ने 7 सीटर ले रखी है और आपको 5 सीटर की जरूरत है, आप जाकर 7 सीटर लेके आए, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि सबसे पहले आप बजट को स्ट्रेच करेंगे, चलिए बजट भी अगर आपका इतना है, लेकिन आगे जाने उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो हाई होगी, साथ ही साथ आप उसको शहर वाले इलाकों में आराम से नहीं चला पाए अगर वो आपकी प्राइमरी कार है। तो सबसे पहले अपनी नीड्स को पहचानिए और हिसाब से गाड़ी लीजिए। अब अगर वो सेकेंड हैंड कार है, अगर नई कार है तो भी नीड्स को पहचानिए, सेकेंड हैंड कार है तो भी नीड्स को पहचानिए। लेकिन अगर हम आप सेकेंड हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए फर्स्ट ओनर लुक। जैसे मैंने नई गाड़ी खरीदी है, अगर आप मैं आपको आगे सेल कर रहा हूँ तो आप सेकेंड ओनर लुक, तो ट्राई कीजिए उस गाड़ी के आप सेकेंड ओनर बने, फर्स्ट ओनर से खरीद के आप सेकेंड ओनर उस गाड़ी के बने। क्योंकि जो फर्स्ट ओनर होता है ना, वो खरीद आपको थोड़ी केयर ज्यादा करता है अपनी गाड़ी की और एक अच्छी डील भी आपको मिल सकती है, एक अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी मिल सकती है। तो ट्राई कीजिए कि आप फर्स्ट ओनर से ही गाड़ी खरीदें। ऐसा नहीं है कि मैं डीलर वगैरह को मना कर रहा हूँ, क्योंकि डीलर वगैरह भी अच्छे होते हैं, मतलब अगर अच्छा डीलर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जैसे कि आपको बता रहा हूँ, अच्छी खासी हाइप बनी हुई है सेकेंड हैंड कार्स में। और दूसरी बात ये कि डीलर क्या करते हैं, कुछ अपने मुनाफे के लिए गाड़ी का जो मीटर है वो बैक कर दिया, या जो गाड़ी का ओरिजिनल कंपोनेंट है वो सेकेंड हैंड एक तरीके से आफ्टर मार्केट कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया, जो कि आपको आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा रखना है ध्यान। अब अगर आपको गाड़ी लेनी है दोस्तों, मैं कहूँगा कोई कॉमन गाड़ी ले, कॉमन इन द सेंस ये नहीं कि ऐसी ऐसी गाड़ी, लेकिन एक तरीके से जिसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसे मारुति गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हुंडई गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, टाटा की गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, महिंद्रा गाड़ी और भी कुछ कंपनीज हैं उनकी गाड़ी के पार्ट जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप उस गाड़ी का पार्ट है कभी खराब हो गया तो आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, आपकी पॉकेट पर इतना ज्यादा वो दबाव नहीं डालेगा। यही अगर आप बॉक्स वैगन गाड़ी या शेवरले की गाड़ी खरीदते हैं तो मान तो आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा, क्योंकि इन गाड़ी की कीमत ज्यादा टूटती है, लेकिन इनके पार्ट्स तो इजीली अवेलेबल नहीं होते, उनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हाई होती है। तो ट्राई कीजिए कि जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली कार हो उसको आप खरीदें। उसके बाद अब हुआ क्या भैया, मुझे जो है अच्छी गाड़ी मुझे सब तरीके से मिल गई, अच्छी गाड़ी ऐसा है कि मुझे एक अच्छा जो है डीलर मिल गया, फर्स्ट ओनर मिल गया, और जो है मुझे एक ऐसी गाड़ी मिल गई जो मेरी पॉकेट फ्रेंडली और मेरी नीड्स के हिसाब से मिल गई। अब हुआ क्या दोस्तों, अब मैं जाऊँगा सबसे पहले चेक करने में सोच रहा हूँ आप इंजन। लेकिन दोस्तों, इंजन से पहले एक चीज़ आती है, वो है उसके पेपर्स। सबसे पहले आपको उसके पेपर्स वेरीफाई करने हैं। कैसे करना है वो मैं इस वीडियो को बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जाके देखिए उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन प्लेट जो हम कहते हैं। क्योंकि अगर जैसे मैं मेरठ में रहता हूँ और अगर मैं गाड़ी सेकेंड हैंड कोई गाड़ी खरीदने जाऊँगा तो मेरठ की गाड़ी प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का ओनर जो है अपनी ओनरशिप इजीली मेरे नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के लिए होना क्या चाहिए, कुछ नहीं करना, आप जिस शहर में रह रहे हैं, जैसे मैं मेरठ में रह रहा हूँ और कल को मुझे अगर गाड़ी लेनी है, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है, तो मैं मेरठ के नंबर की ही गाड़ी लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि जो उसका ओनरशिप है, जिसकी ओनरशिप है वो मेरे नाम पर आराम से ट्रांसफर हो जाएगी। हो दूसरे शहर से भी जाती है, दूसरे स्टेट से भी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं एडवाइस करूँगा आप उसको अवॉइड करें। उसके बाद आती है आरसी। आरसी दोस्तों एक तरीके से मेन जो चीज़ होती है ना वो है यहाँ पर, एक की फंक्शनिंग की जो चीज़ है वो है यहाँ पर आरसी। क्योंकि आरसी में आपको क्या करना है, आरसी में नाम वगैरह सब रजिस्टर्ड रहता ही है। आरसी में रहती है एक तो चेसिस नंबर और इंजन नंबर,
वो आपको चेक करना है, क्योंकि जो गाड़ी फ्रॉड रहती है या फिर कोई गाड़ी चोरी वगैरह की रहती है तो उससे जो है आरसी से या एक तरीके से इंजन से उसको मिटाने की कोशिश करी जाती है, जिससे वो पकड़ी ना जाती है। अगर पकड़ी जाए तो बहुत मुश्किल से पकड़ी जाए, तो वो आपको चेक करना है कि दोनों जगह वो सेम रहे, साथ ही साथ गाड़ी की एज, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डीजल की गाड़ी 10 साल की एज रहती है, वैलिडिटी उनकी 10 साल की रहती है, वहीं जो पेट्रोल की गाड़ी आती है उनकी 15 साल। तो वो आपको चेक करना है कि गाड़ी की एज कितनी है, और जितनी कम एज उतनी कम उसकी कीमत, तो आप आराम से देख सकते हैं और एक अच्छी डील आप पा सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दोस्तों, इंश्योरेंस में यूँ कह रहा हूँ क्यों, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस आपको ये बताता है कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अगर इंश्योरेंस के लिए नया गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल है तो वहाँ से आप उसकी जो है कीमत को थोड़ा कम करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कोशिश कीजिए कि अभी तक गाड़ी के जितनी बार भी इंश्योरेंस हुआ है, जितनी बार भी इंश्योरेंस हुआ है, सारे के सारे आप कागज देखें, क्योंकि उसमें एक नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस इसलिए मिलता है, अगर गाड़ी में कभी भी एक्सीडेंट हुआ होगा और इंश्योरेंस का क्लेम लिया गया होगा तो वो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आपको चेक करना है। साथ ही साथ इंश्योरेंस इसलिए भी देख लीजिए कि इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कुछ ओनर्स ऐसे करते हैं कि जैसे अगले महीने गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है या अगले हफ्ते ही गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, और गाड़ी अगर मुझे सेल करनी है तो भी गाड़ी को सेल करो, क्योंकि इंश्योरेंस अगर फिर से रिन्यू करवाना पड़ा तो कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, या फिर इंश्योरेंस टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूट गया तो उसको रिन्यू करवाने काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो इसलिए वो ट्राई करते हैं। तो उसको भी आप कह सकते हैं कि भैया अगले महीने इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, मुझे इंश्योरेंस से पैसे देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं गाड़ी कीमत आप 1,000 या कुछ परसेंट जो है कम करवा सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स रहती हैं जिससे आप गाड़ी कीमत के साथ या तो ऊपर बढ़ा सकते हैं या उसको नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों चालान, जो कि एक मेन चीज़ है, और आज की डेट में चालान बहुत ज़्यादा मेन चीज़ हो रही है। हो क्या रहा है कि गाड़ी पुरानी हो गई है, अब जो है उससे चालान हो गया, उसका हो गया चालान, अब गाड़ी में सेल करनी है, तो एक काम करो, गाड़ी मैं एक महीने बाद सेल करता, एक काम करो अभी गाड़ी को सेल कर दो, जिसका चालान है वो कोई और भरेगा। ये रहती है जो ओनर्स की मेंटेलिटी कभी कभी हो जाती है, हर एक की नहीं कह रहा, नहीं कुछ ओनर्स की हो जाती है, और ये आपको चेक करना है। चेक कैसे कर सकते हैं, वाहन ऐप है या बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं गाड़ी पे कोई चालान वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर चालान है तो खैर जी भैया चालान को पहले आप फिल कर दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं फिर थोड़ा डिस्काउंट वगैरह पर, या मैं कहूँगा कि आप उसे खैर जी भैया फिल करिए चालान को, फिर जो है मैं गाड़ी आपकी परचेज कर लूँगा। अब दूसरी बात ये, चालान के साथ ही एक जो है एक रहता है क्राइम का भी, कि उस गाड़ी से कभी कोई क्राइम तो नहीं हुआ, पर चलो गाड़ी से कोई क्राइम हो चुका है, वो भैया आप जो है कवर में ढक चुकी है, नंबर वगैरह सब ढक गया, अब आप कल को उस गाड़ी को निकाल के लेके गए हो, आप पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी हो गई आपकी सीज, पैसे आपने दे चुके, ओनर ने पहले ओनर हारू ना दिए, आप गए फर्स्ट। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी इज्जत के साथ ज़्यादा खिलवाड़ हो जाएगी, तो इसलिए आपकी इज्जत अपने हाथ, इसलिए आप ये चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कैसे चेक करें वो आपको बताया था, वो ऐसे चेक करें कि आपको क्या करना है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और नंबर लेके जाइए कि क्या इस नंबर से कोई भी कोई क्राइम तो नहीं हुआ, या फिर कोई पहले कोई क्राइम हुआ हो उसके बाद ये जो है सजा वगैरह ले चुकी हो या जो भी है, तो मैं क्या कहूँगा, पहले भी कोई छोटा मोटा भी क्राइम हुआ है तो आप देख लीजिए, लेकिन अगर कोई क्राइम हुआ है ना तो उसको इग्नोर करिए गाड़ी को, क्योंकि कुछ नहीं पता अगर वक्त का। उसके बाद अब क्राइम हो गया, वो सर्विस की बात, सर्विस उससे पूछिए ओनर से कि भैया सर्विस कहाँ कहाँ से करवाइए, कंपनी से करवाइए तो कंपनी में जाकर चेक करिए, कंपनी की रिसिप्ट होती है वो दिखाइए, या कहीं और से भी सर्विस करवाइए तो उसकी रिसिप्ट दिखाइए कि गाड़ी कितने 1000 किलोमीटर पर सर्विस हुई है, कितने की सर्विस हुई है वगैरह वगैरह, क्या कंपोनेंट्स अब तक डल चुके हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स वो आगे मांगने वाली है, कि इतने 1000 चल चुके हैं, ब्रेक शू बदले जाएंगे या जो है कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो टायर वगैरह रहते हैं वो बदले जाएंगे, या कोई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंजन वगैरह कंपोनेंट्स रहते हैं वो बदले जाएंगे, या इंजन की रिंग्स वगैरह बदली जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बदली जाती है, जो कि आपको गाड़ी लेने के बाद अगर बदलवाने की दिमाग में आया है कि हाँ अभी ये गाड़ी डिमांड कर रही है, तो गाड़ी आपके एक्सपेक्टेड प्राइस से थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, जो कि आपका पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अब आता है लोन का, मैक्सिमम गाड़ी इंडिया में जो है लोन पे ली जाती है, फाइनेंस पे ली जाती है, आप पूछिए, क्योंकि होता क्या है वो आरसी वगैरह मेंशन नहीं रहता है लोन का, तो आपको क्या करना है, आप पूछिए अगर आपकी गाड़ी लोन, उसकी गाड़ी लोन पे है, जो आपके पहला ओनर है उसकी गाड़ी अगर लोन पे है तो कह दीजिए तो लोन क्लियर कर दीजिए, या फिर लोन को ट्रांसफर कर दीजिए, लोन को ट्रांसफर कर दीजिए, लोन ट्रांसफर करते हुए लोन ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आपसे क्या होगा, लोन ट्रांसफर ना ही हो ज़्यादा बेटर है, ना करवाए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर उसके 4 महीने की पहले किस्त रुकी हुई तो वो भी आपको भरनी पड़ जाएगी, तो ये आप जरूर देखिए, क्योंकि बैंक अपना एक ही पैसा नहीं छोड़ेगा। और अगर वो गाड़ी लोन पर, तो उसे कह दीजिए एक काम कीजिए, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, जो भी डील रहती है सबसे बेस्ट यही है, पैसे लेके आ रहा हूँ, आप लोन क्लियर कर दीजिए, अपने पैसे लोन क्लियर कर दीजिए, फिर जो है एनओसी लेके आप आ जाइए, गाड़ी को
जो डील है वो फाइनल कर लेते हैं। अब ये तो हो गई सारी मैक्सिमम कागजों वाली। अब एक जो अपनी तरफ से मैं क्या और कहना चाहूंगा दोस्तों, मॉडिफाइड गाड़ी जो है, जो मॉडिफाइड गाड़ी रहती है उनको परचेज करने से बचे। होता क्या है कि ऐसे मेरी गाड़ी है, मैंने अपनी गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवा रखा है, अब वो गाड़ी की मॉडिफिकेशन मेरे टेस्ट के हिसाब से है। हो सकता है मैंने कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स में डलवा रखे हों जो कि ओरिजिनल निकलवा के आफ्टर मार्केट कॉम्पोनेंट रिप्लेस हुए हों, जो कि आपको आगे जाके फायदा ना दे। उसकी उसका वारंटी 2 साल हो और वो 3 साल खराब हो, 3 साल मैंने वो गाड़ी बेच दी, तो उस चीज़ से आप बचें। ऐसे सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे सीरीज की बात फिर कहूँगा, ऐसे सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे सीरीज होती क्या है, ओरिजिनल कंपोनेंट के ऊपर एक कवरिंग या फिर एक तरीके से गुड लुक गाड़ी को देने की कोशिश करती है, उसको आप जरूर परचेज कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफाइड गाड़ी के टायर बाहर निकले हुए हैं या जो है लेवल आज उसकी ट्यूनिंग हो रखी है या एक तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्पोनेंट्स पुराने वाले रिप्लेस होकर आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, तो वो आप थोड़ा चेक कर लीजिए उस गाड़ी को लेने से बचे। दोस्तों ये था इसका पार्ट 1, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और जो इसका बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें, जिससे जो मेरा पार्ट 2 जैसे मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों इसको देख के आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल रही होगी, और अगर आप कल को कोई सेकंड कार ले रहे हैं या आपका सेकंड कार लेने का मन कर रहा है, तो जो फ्रॉड आपके साथ हो सकता है उससे आप पहले ही बच जाएंगे और पहले ही एक अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।